हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब टेक रियाज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप पेटीएम का पासवर्ड भूल गए हैं और दोस्तों आप पेटीएम का पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप पेटीएम का पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप किस तरीके से पेटीएम का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा ये रहा पेटीएम एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होगा वो आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ अलाउ परमिशन देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसे अलाउ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड देना होता है जो कि आप भूल गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तभी आप पेटीएम एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं जब तक आप यहाँ पर अपना पासवर्ड नहीं डाल देते। तो दोस्तों पासवर्ड तो आप भूल चुके हैं, तो दोस्तों किस तरीके से हम नया पासवर्ड बना सकते हैं तो दोस्तों वो आप ध्यान से समझिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा फॉरगेट पासवर्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा, जिस नंबर से आपने पेटीएम में लॉगिन किया है वो नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रोसीड पर फिर से क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, एक ओटीपी आएगा जो कि आपका मोबाइल नंबर उस ओटीपी को ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का पेज खुल करके आ जाता है। अब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा सेट न्यू पासवर्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पर फिर से आप अपने पेटीएम का पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर से अपने पेटीएम का एक नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भूल गए हैं अपना पासवर्ड तो यहाँ पर आप अपना फिर से नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एंटर न्यू पेटीएम पासवर्ड। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आपको अपना एक न्यू पासवर्ड बना लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपना एक यूनिक पासवर्ड बनाना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आसान सा पासवर्ड नहीं बनाना है, आपको यहाँ पर एक यूनिक पासवर्ड बनाना है जो कि ए बी सी डी से लेकर नंबर तक 1 2 3 4 इस तरह से करके एदर एड लगा के अपने नाम के अक्षर डाल के इस तरह से करके आपको मिक्स करके एक अपना पासवर्ड बना लेना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे रे एंटर न्यू पासवर्ड में भी आपको अपना यही पासवर्ड डाल देना है, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर अपना डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना यही पासवर्ड फिर से डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना वही पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नीचे सेव का फीचर दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेव के फीचर पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुल। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेटीएम का फिर से नया पासवर्ड बन चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर से अपना पेटीएम पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का पेज खुल जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से अपना वही पासवर्ड डाल देना है जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपना वही पासवर्ड डाल देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर अपना वही पासवर्ड डाल दिया है। उसके बाद आपको नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पेटीएम में फिर से पासवर्ड बना सकते हैं, फिर से एक नया पासवर्ड आप इसमें बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आप देख सकें हमारी और वीडियो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।